गाइज वेलकम बैक टू द चैनल ऑलराइट इस मेकअप लुक की शुरुआत भी हम हमेशा की तरह स्किन केयर से करेंगे तो जो क्लेंजर um, मैं बहुत टाइम से यूज करती आ रही हूँ वो है ये डर्मा वाइफ का क्लेंजर आई एव बिन यूजिंग दिंग्स फ्राम पास्ट आई थिंक एट मंथ्स एंड सेम विद दिस मॉइस्चराइजर जो कि है न्यूट्री डर्म का ये मेरा बेसिक स्किन केयर है जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है आई डोंट माइंड चेंजिंग इट इन फ्यूचर बट अभी मैं खुश हूँ तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करती हूँ एनी वे सो इस मॉइस्चराइज़र से मैं अच्छे से अपने फेस को मसाज करती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ अपने फेस को एंड वंस द मॉइस्चराइज़र गोज़ इन टू माई स्किन अच्छे से मेरा फेस रिलैक्स हो जाता है उसके बाद मैं बढ़ती हूँ अपने लिप्स को प्रेप करने के लिए बिकॉज वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फेस को प्रेप करना साथ ही साथ लिप्स को प्रेप करना सो so, जिसके लिए आज मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ ये बायोटिक का डीवा किस लिप बाम इसका शेड जो भी है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर प्रोडक्ट का लिंक दे दिया जाएगा उनका शेड लिख दिया जाएगा इसे मैं अच्छे से अपने uh, लिप्स पर लगा रही हूँ और लिप्स को भी आपस में इस तरीके से मसाज कर रही हूँ वंस डैट इज़ डन मूविंग ऑन टू द प्राइमर मैं आज यूज़ कर रही हूँ लेक में का ये अंडर कवर जेल प्राइमर थोड़ा सा ले रही हूँ एक छोटा सा एक डॉट जैसा और इसको मैं अपने जो मेरा टी आ, एरिया है एक्चुअली जो मिडल ऑफ द फेस है आ, नोज हो गया आ, फोर हेड हो गया अपर लिप्स हो गया वहाँ पे लगा रही हूँ मेन और बाकी का थोड़ा बहुत जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ बाकी के फेस पे मेन जो मैं फोकस करती हूँ वो अपने सेंटर ऑफ द फेस पे करती हूँ बिकॉज दैट्स माई थोड़ा सा ऑयली एरिया उसके बाद आज मैं आ, सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ अपने जो भी मेरे मार्क्स हैं फेस पे आ, उनको कवर करने से चाहे वो डार्क सर्कल्स हो थोड़े बहुत थोड़ी सी पिगमेंटेशन हो लिप्स के अराउंड आँखों के ऊपर फोरहेड के ऊपर कई बार कुछ एक्ने के मार्क्स होते हैं कुछ भी थोड़ा बहुत हाइपर पिगमेंटेशन जो भी थोड़ा बहुत फ़ेस पर मेरे है हल्का बहुत वो सब मैं इस शुगर के कंसीलर से कवर कर रही हूँ ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू माई स्किन शेड है लाइट कलर नहीं है सिमिलर शेड है और मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ यू uh, इसको मैं वेट करके यूज़ कर रही हूँ ठीक है uh, इसको हम वेट करके ही यूज़ करते हैं मतलब अच्छे से डैम्प होना चाहिए ये और अगेन uh, कंसीलर जब भी आप लगाओ इसको ड्रैग नहीं करो एक जगह से दूसरी जगह इसको डैब 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 मोशन में ही यूज़ करो नाउ मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन शेड वगैरह सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया यार आज क्योंकि हम ये ड्यूई फिनिश लुक कर रहे हैं तो मैं साथ में यूज़ कर रही हूँ ये नायका का स्ट्रोब एंड ग्लो हाइलाइटर ये मतलब सीक्रेट है अगर आपको ड्यूई मेकअप लुक चाहिए ना अगर आपको चाहिए आपका फेस एकदम से ग्लो मार रहा हो ना तो मैं क्या करती हूँ फाउंडेशन के अंदर ये जो स्ट्रोब एंड ग्लो का गोल्डन कलर का जो ये हाइलाइटर है ना वो मिक्स कर लेती हूँ बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है अभी अब देखो कि फिनिश एकदम से ना बड़ी ऐसे आएगी नेचुरल सा ग्लो लगेगा ऐसे लगेगा पूरे फेस पे मतलब ऐसे हाइलाइटर लगाया हुआ है बहुत अच्छा ग्लो आता है इससे नाउ अगेन विद द सेम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर जिससे हमने कंसीलर ब्लेंड uh, किया था इसको भी ब्लेंड करेंगे ना वंस दैट इज़ डन मूविंग ऑन टू द कॉम्पैक्ट अब इसमें क्योंकि हमें डुई फिनिश चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा मैट ना हो जाए आपका फेस क्योंकि अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा ना जो आपने हाईलाइटर फाउंडेशन में मिक्स किया है तो ये जो कॉम्पैक्ट मैं यहाँ पे मेबिलीन का यूज़ कर रही हूँ मैं बहुत ही कम लगा रही हूँ मतलब जितनी क्वांटिटी यूजुअली हम लगाते हैं ना मैं उससे हाफ से भी हाफ लगा रही हूँ मतलब बहुत ही कम बस जस्ट जस्ट रनिंग इट ओवर माय फेस ठीक है एक बार बहुत कम लगा रही हूँ और या अच्छे से सेट uh, करने के बाद फेस को मूविंग ऑन टू द कॉन्टोर कॉन्टोर के लिए अभी भी मेरा फेवरेट है शुगर का uh, ये वाला एंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश मैं बहुत हल्के हल्के सा बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं बड़ी नेचुरल सी लुक मुझे रखनी थी तो बहुत ही कम कॉन्टोर भी लगा रही हूँ थोड़ा सा लगा के उसके बाद उसको सर्कुलर मोशन में एकदम अच्छे से ब्लेंड कर देना डिफ्यूज कर देना है सो so दैट लगे नहीं कि आपने कुछ लगाया है और नोज पे भी मैं से बारीक थोड़ा सा ब्रश लेके उससे मैं नोज को भी कॉन्ट्र कर रही हूँ मूविंग ऑन टू द ब्लश मैं ये बड़ा ही नेचुरल सा पिंक कलर का ये लैकमे का ब्लश है जो मैं यूज़ कर रही हूँ आज ये एकदम से नेचुरल फिनिश देता है तो वो यूज़ कर रही हूँ मैं एकदम से ऐसा लगता है जैसे नेचुरल आपका फ्लश है आपके उस पर आपने ब्लश नहीं लगाया ऐसा लगता है नाउ फॉर द हाईलाइटर ओब्वियसली एम यूजिंग द सेम हाईलाइटर बिकॉज दिस इज़ द फील दैट वी आर गोइंग विद बड़ा ही सुंदर हाईलाइटर है ये और या देखो कितनी अच्छी फिनिश आती है इससे और इसको मैं जो ब्यूटी ब्लेंडर है मेरा डैम्प वाला उससे भी थोड़ा सा लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एकदम से लगी नहीं कि बहुत ज़्यादा लगा हुआ है ठीक है उसके बाद मूविंग ऑन टू द आईब्रॉज ये मैं नायका की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ पहले आईब्रोज़ को कोम्प करके जो पीछे स्पोली होती है और उसके बाद हल्के हल्के से स्ट्रोक्स जिस जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं ना उसी डायरेक्शन में आपको पेंसिल चलानी चाहिए ठीक है और बहुत हल्के स्ट्रोक्स देने चाहिए नहीं तो एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क कलर की लगती है आईब्रोज और अच्छा नहीं लगता है मेकअप का लुक ठीक है ख़राब हो जाता है एंड जब आपको लगे कि आपने जो जो भी गैप्स थे वो फिल कर लिए हैं उसके बाद ज़रूर एक बार पूली जो है पीछे वो जो कोम जैसी चीज़ है ना उसको एक बार और घुमा दो अपनी आईब्रोज़ पे तो जो लो, जो भी लाइंस वगैरह आपकी पेंसिल की आपने डाली होती है ना वो सब ब्लेंड हो जाती है आपस में नाउ फॉर माय आईज बहुत ही सिंपल लुक करने वाले हैं ये नायका की पैलेट है जस्ट विंकिट इन द शेड स्वीट संडे उसमें से मैं ये पहले लाइट कलर लिया है मैंने जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर टू माय आईलेट्स का जो मेरा कलर है वैसा सही है ठीक है और मैं फ्लफ़ी ब्रश की मदद से अपनी क्रीज पे क्रीज से थोड़ा ऊपर नीचे क्योंकि फ्लफी ब्रश है तो और आंखों के नीचे जो मेरा लोअर लैश लाइन है वहाँ पर भी लगा रही हूँ नाउ टेकिंग दिस अनदर कलर पिंक कलर बड़ा ही प्यारा पिंक है ये फ्लैट ब्रश पे लेके इसको मैं अपनी पूरी लिड पे लगा रही हूँ इस तरीके से एंड जितना भी आपको इंटेंसिफाई करना है इस पिंक को आप थोड़ा और लगा सकते हो बट मैं बहुत ही लाइट रख रही हूँ uh, मेरी जो कुर्ती मैंने इस वक्त पहनी हुई है ना तकरीबन वैसा सा ही शेड में रखना चाह रही हूँ और दोनों आइस पे फ्लैट ब्रश से मैं ये पिंक कलर पहले लगाऊंगी और उसके बाद जो मैंने पहले फ्लफ़ी ब्रश यूज़ किया था और जो लाइट वाला कलर यूज़ किया था वो थोड़ा सा लेके मैं आपस में सब एकदम से जो मतलब एंड्स हैं वो डिफ़्यूज़ कर दूंगी थोड़ा मतलब ऐसा यू नो ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से तो वो पिंक Uh, जो हमने कलर लगाया है और जो लाइट वाला कलर है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और अच्छे से बस इसको ब्लेंड करके वी आर डन विथ दी आईज नाउ मूविंग ऑन टू मस्कारा मस्कारा अभी भी के ब्यूटी का मस्कारा ही मैं यूज़ कर रही हूँ बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे और इसकी अच्छी सी कोटिंग मैं कर रही हूँ मस्कारा की क्योंकि मैं इस लुक में कुछ नहीं लगाने वाली हूँ ना कि मतलब कि ना ही मैं आई लगाने वाली हूँ ना ही मैं फॉल्स लैशेज लगाने वाली हूँ बड़ी सिंपल लुक रख रही हूँ ताकि सब लोग इसको ट्राई कर सकें और इसलिए मस्कारा जो है वो बड़ा अच्छा कोटिंग में दे रही हूँ एक दो कोट्स की भी जरूरत पड़े तो इसमें दे लेना ठीक है इफ़ यू आर क्रिएटिंग दिस लुक लोअर लैश लाइन के लिए भी मैं यही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ ना ये शुगर का ना ये डूई फिनिश वाला एक न्यू लॉन्च हुआ है आई डोंट नो ये नायका पे अवेलेबल है या नहीं है नहीं हुआ तो मैं नीचे शुगर की वेबसाइट का लिंक दे दूंगी बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे है ना ओ यू लास्ट मी मैं डायरेक्ट क्यों नहीं स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी मस्कारा लगाया है तो अगर मैं अभी एकदम से इसको स्प्रे कर लूँगी ना तो हो सकता है मेरा मस्कारा फैल जाए और मैंने मस्कारा की बहुत अच्छी कोटिंग लगाई है सो आई डेंट वॉन्ट के सारा मेकअप खराब हो जाए सो कभी अगर आप मस्कारा अभी अभी लगाया और आपको लगता ख़राब हो सकता है ना तो या तो आंखों को कवर कर लो नहीं तो इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर पे लगा के अपना जो वो सेटिंग्स परे है फिर लगा लो और आइज़ के कॉर्नर में भी मैं सेम जो ये हमारा हाइलाइटर हमने यूज़ किया था वो लगा रही हूँ और ब्राउज़ के नीचे भी जो ये जगह होती है वहाँ पर भी लगा रही हूँ ये देखो फिनिश देखो और कितना अच्छा ग्लो लग रहा है फेस पे लिपस्टिक के लिए मैं ये जैकलिन की जो सेवनटीन कलर सेवनटीन नंबर शेड जो है बहुत वीडियोस में आपने देखा होगा बट बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि अवेलेबल नहीं है ये इनफैक्ट आई थिंक उनकी खुद की वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है आउट ऑफ स्टॉक है और नायका पे भी नहीं है तो इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ इसी लिपस्टिक इस लिपस्टिक का जो कलर है ना वैसा ही एक और शेड में शुगर का भी है जो मैं लगाती हूँ तो वो भी आपने बहुत सी वीडियोज़ में देखा होगा तो मैं शुगर की वो वाली लिपस्टिक का लिंक नीचे दे दूँगी एंड दिस इज़ इट मैं ये सिल्वर जूलरी पहन रही हूँ मैं यहाँ पे और आर लुक इज़ रेडी बहुत ही देखो एकदम डुई फिनिश तो है ही साथ, साथ बड़ी फ्रेश सी फीलिंग है और बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा मेकअप किया है दिस अमेजिंग फॉर यंग गर्ल्स जो अब क्योंकि यू नो फेस्टिव सीजन आ रहा है एंड ग्लोई लुक बड़ी प्यारी है बहुत अच्छा है ये और आँखों पर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की हुई है लाइक देर इज़ नो इट्स नॉट लाइक कि मैंने कोई छः कलर यूज किए हैं आईज़ के ऊपर और यू नो बहुत ही सिंपल आईज रखी है दिस इज़ इट इतना सुंदर लुक आ रहा है एंड या आई होप यू गैज इंजॉयड दिस मेकअप लुक एंड इफ यू डिड प्लीज लीव इन द कॉमेंट्स एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विथ योर गर्ल फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डो नॉट फर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल आई होप यू गैज इंजॉयड आई एम गने सी यू गाई सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर कैर